नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा बुजुर्ग। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे। बच्चों यहाँ देखिए, बहुत सारे आपको घर नजर आ रहे होंगे। देखिए बच्चों कैसे कैसे घर हैं। यहाँ देखिए, यह तो लग रहा है कपड़े का घर है। यहाँ देखिए बहुमंजिला इमारत, और यहाँ पर देखिए लग रहा है लकड़ी का घर है। और यहाँ देखिए ये तो बर्फ का घर है। बच्चों देखिए कितने अलग अलग तरह के घर है। बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इसी से संबंधित है। बच्चों हमारा पाठ का नाम है ऐसे भी होते हैं घर। बच्चों यहाँ देखिए, ऐसे भी होते हैं घर। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए पाठ में क्या कहा गया है। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। बच्चों यह बच्चा क्यों खुश है? क्योंकि इसके स्कूल में कैंप लगा हुआ है। बच्चों यह कितने दिनों तक चलेगा? 7 दिनों तक चलेगा। और यह बच्चा कहाँ का रहने वाला है? श्रीनगर का रहने वाला है। बच्चों क्या आप श्रीनगर कहाँ है जानते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए हमारा भारत का मानचित्र। बच्चों यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर देखिए श्रीनगर, और यहाँ पर भी देख लीजिए। अगर वहाँ नहीं दिखा तो यहाँ आपको श्रीनगर तो नजर आ रहा होगा। यह है श्रीनगर जहाँ पर नसीब रहता है, और यहीं पर कैंप लगा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों कुछ और चित्र है। बच्चों यहाँ देखिए वहाँ पर टेंट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर टेंट का चित्र। बच्चों टेंट किससे बना होता है? टेंट या तो मोटे कपड़े का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। बच्चों इसे लगाना बहुत आसान होता है। देखिए कितनी आसानी से यह घर के आकार में बदल गया है। चलिए हम और टेंट का चित्र देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यह भी एक टेंट है। बच्चों यहाँ देखिए बहुत सारे टेंट, यह बच्चों के लिए बनाया गया है। कौन से बच्चों के लिए? जो बच्चे कैंप के लिए आए हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे और क्या क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। अब बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है? स्कूल को खूब अच्छे तरीके से सजाया गया है। बच्चों कुछ बच्चों ने कपड़ों से क्या बनाया है? झालर बनाया है और उसे दरवाजों पर लगाया है। और कुछ बच्चों ने पोस्टर बनाया है। बच्चों पोस्टर किससे बनाया है? बादाम के छिलकों से। और कुछ ने तो रंगोली बनाकर रखा हुआ है। बच्चों वो किससे? लकड़ी के बुरादे व सूखे पत्तों से। चलिए हम इसका चित्र देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए स्कूल को किस प्रकार सजाया गया है। बच्चों यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और यहाँ देखिए बच्चों बादाम के जो छिलके हैं उससे देखिए किस प्रकार पोस्टर बनाकर रखा गया है। और बच्चों यहाँ पर देखिए कितना सुंदर रंगोली है। बच्चों इन्होंने रंगोली किससे बनाया है? लकड़ी के बुरादे से और सूखे पत्तों से। इसके बाद हम आगे देखते हैं पाठ में आगे और क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ पर देखिए, आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सभी
बच्चे इकट्ठे हो गए कहाँ पर, मैदान में, और गोला बनाकर बैठ गए। बच्चों यहाँ देखिए उसका तस्वीर, गोला बनाकर बैठ गए और बच्चे अपना अपना परिचय देने लगे। परिचय में उन्होंने क्या बताया, अपना नाम बताया और उन्हें खाने में क्या पसंद है इसके बारे में भी बताया, उनका घर कैसा है, वे कहाँ से आए हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और अब सबसे पहले किसकी बारी आई, भूपेन की बारी आई, तो भूपेन अपने बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है चलिए जानते हैं। बच्चों यहाँ देखिए भूपेन, भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, बच्चों यह देखिए भूपेन, देखिए वह क्या बता रहा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। बच्चों यहाँ पर भूपेन क्या बता रहा है, वह कहाँ से आया है, असम से आया है। बच्चों असम कहाँ है क्या आप जानते हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ पर देखिए, यह जो नारंगी रंग दिख रहा है यह है असम, यहीं पर भूपेन का घर है। बच्चों वहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, बच्चों वहाँ पर घर बांस व लकड़ी से बनाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। बच्चों जो मजबूत बांस होते हैं उसके ऊपर इन घरों को बनाया जाता है, देखिए जमीन से कुछ ऊंचे उठे हुए होते हैं। बच्चों इन घरों को ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है और अधिक बारिश होने के कारण कभी कभी इन जगहों पर पानी जमा हो जाता है। बच्चों यहाँ देखिए आपको पानी जमा हुआ वाला नजर आ रहा होगा, इसलिए इस घर को ऊंचा बनाया जाता है। बच्चों अभी हमने जो भी जाना उसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, चलिए क्या प्रश्न है देखते हैं। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं, बच्चों घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा होती है और वर्षा के कारण पानी भर जाता है, इस कारण बांस के खंभों पर इन घरों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न, इन मकानों की छतें कैसी होती है, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। बच्चों इन मकानों की छतें ढलान नुमा होती है ताकि बारिश का पानी इसमें ना रुके व नीचे गिर जाए। अगला प्रश्न, इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है, बच्चों इन मकानों में सीढ़ी होता है, सीढ़ी से इन मकानों में अंदर जाया जा सकता है। अगला प्रश्न, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं क्यों, रात के समय जंगली जानवर व जहरीले सांप बिच्छू घर के अंदर ना आ जाए, इस कारण सीढ़ी को हटा दिया जाता है। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके जानते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं, बच्चों यहाँ उत्तर है, भूपेन असम में रहता है, असम में बहुत बारिश होती है जिससे पानी कई फुट ऊपर तक भर जाता है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, इस कारण घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, इन मकानों की छतें कैसी है, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है, बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, इन मकानों की छतें ढलान वाली होती है, इससे छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है, उत्तर यहाँ देखिए बच्चों, इन मकानों में अंदर जाने के लिए लोग बांस की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने चित्र में देखा था। अगला प्रश्न, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं क्यों, बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं ताकि कोई जानवर व जहरीले सांप बिच्छू घर में ना घुस सके। अब आगे क्या लिखा है जानते हैं। बच्चों
यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन है बच्चों? चमेली। चमेली कहाँ रहती है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, चलिए चमेली क्या कह रही है देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। बच्चों यहाँ पर जो चमेली है कहाँ रहती है? मनाली। बच्चों मनाली कहाँ है? चलिए हम भारत के मानचित्र में देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश और यहाँ देखिए शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और शिमला के पास ही है मनाली। बच्चों शिमला से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर यह मनाली है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश और यहीं पर मनाली है। बच्चों आगे यहाँ पर चमेली क्या कहती है? इनके घर कैसे होते हैं? इनके घर लकड़ी व पत्थर से बने होते हैं। यहाँ देखिए लकड़ी का बहुत सुंदर सा घर आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों इनकी छतें भी किस प्रकार है? ढलान नुमा होती है ताकि यहाँ पर भी बच्चों बहुत अधिक बारिश होती है और बर्फ भी पड़ता है। बच्चों छत को अगर इस प्रकार बनाया जाए तो ना बारिश छत पर रुकेगा और ना ही बर्फ। यहाँ पर देखिए बच्चों किस प्रकार बर्फ भरा हुआ है और इस ढलान से बर्फ नीचे उतर रहा है, यहाँ पर जमा नहीं होता है। बच्चों इसके बाद कुछ प्रश्न दिया गया है। अभी हमने जो भी पढ़ा उसी से संबंधित प्रश्न है। बच्चों देखते हैं प्रश्न क्या है। बच्चों यहाँ देखिए पहला प्रश्न, चमेली का घर किस इलाके में है? बच्चों चमेली का घर कहाँ पर है? मनाली में और यह पहाड़ी इलाके में है। अगला प्रश्न, चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? बच्चों दोनों की छतें कैसी हैं? ढलान नुमा है क्योंकि दोनों के जगहों पर बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? बच्चों यहाँ पर अधिक वर्षा होती है इस कारण ऐसी छतें बनाई जाती है। ऐसी छतें बनाने पर छतों पर बारिश का पानी नहीं रुकता है, नहीं इकट्ठा होता है, सीधा वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके जानते हैं। बच्चों यहाँ देखिए पहला प्रश्न, चमेली का घर किस इलाके में है? उत्तर, चमेली का घर मनाली में है जो एक पहाड़ी इलाका है। अगला प्रश्न, चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, दोनों की छतें ढलान वाली है जैसे अभी हमने जाना था। अगला प्रश्न, ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? इसका उत्तर बच्चों, ऐसी छतों पर बारिश का पानी या बर्फ जमा नहीं हो पाता है। बच्चों अभी हमने जाना था बारिश व बर्फ दोनों ही छत से नीचे गिर जाते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं पाठ में आगे और क्या कहा गया है। यहाँ देखिए मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं? बच्चों यहाँ मिताली और अनुज क्या बता रहे हैं कि वे दिल्ली से आए हैं और दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। बच्चों वे सभी बच्चों को तस्वीरें दिखाते हैं। सभी बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बहुमंजिला इमारतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी लंबी लंबी इमारतें हैं। बच्चों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया है। बच्चों कुछ बच्चे तो ये सोचने में लग गए कि इन घरों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं। बच्चों क्या आप दिल्ली कहाँ है जानते हैं? चलिए हम मानचित्र में देखते हैं। बच्चों यह रहा भारत का मानचित्र। बच्चों यहाँ पर देखिए दिल्ली आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर है दिल्ली जहाँ पर मिताली और अनुज। बच्चों यहाँ देखिए यह
किसका चित्र है? बहु मंजिला इमारतों का चित्र है। देखिए कितने लंबे लंबे हैं। यह दिल्ली के इमारतें इसी प्रकार की है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची। और वहाँ पर कुछ मकान ऐसे भी हैं जो पक्के हैं और देखिए छोटे हैं, और कुछ इस प्रकार है। और बच्चों, इसके आगे पाठ में और क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। बहु मंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? बच्चों, अभी एक बच्चे ने कहा इन मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, बहु मंजिले मकानों के ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, बहु मंजिले मकानों के ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों चलिए हम इसका चित्र देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए लिफ्ट, कैसे यह व्यक्ति लिफ्ट में सवार होकर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए लिफ्ट आपको नजर आ रहा होगा। इसकी सहायता से लोग कितनी भी मंजिले इमारत क्यों ना हो, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अब आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए आगे और क्या कहा जा रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं, लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिल्ली हमारी राजधानी है, भारत की राजधानी है, यह एक बड़ा शहर है। बच्चों गांव व कस्बों के लोग नौकरी की तलाश में इन बड़े शहरों में आते हैं। इस कारण मकानों की बहुत मारामारी होती है, बहुतों को मकान रहने के लिए नहीं मिलता है। बच्चों ये लोग कैसे जगह पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको यह भी नसीब नहीं होता है, वह क्या करते हैं, सड़क पर सो जाते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, या रेलवे स्टेशन में थोड़ी सी जगह मिलने पर वहाँ पर सो जाते हैं और रातें गुजारते हैं। बच्चों आज हमने ऐसे भी होते हैं घर पाठ पढ़ा। बच्चों उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।